वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में। कुछ जानकारी, कैसे फैलता है, क्या सावधानी क्या है इससे, जो आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चीन में कोरोना वायरस के कहर से मरने वालों की संख्या 3200 को पार कर गई है। अब तक 70 देशों में इसके संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही इसे इमरजेंसी घोषित कर चुका है। भारत में भी अभी तक इसके 29 ताज़ा मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के संक्रमित लोगों की संख्या 94,000 के पार हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए इसे फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि चीन इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। इसे दुनिया भर में कोरोना वायरस के केस लगातार सामने आ रहे हैं। बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस को अंतर्राष्ट्रीय आपात घोषित किया है। चीन से बाहर 72 देशों में कोरोना वायरस के कई मामलों की पुष्टि हुई है। इन देशों में थाईलैंड, ईरान, इटली, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात आदि। तो आइए देखते हैं क्या है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से हैं जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में हुआ। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं। अब तक इस वायरस के फैलने के में रोकने वाला कोई टीका नहीं बना है। क्या है इस बीमारी के लक्षण? इसके संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में बुखार जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे बहुत सावधानी बरती जा रही है। यह वायरस दिसंबर में सबसे पहले चीन में पकड़ में आया था। इसके दूसरे देशों में पहुँच जाने की आशंका बताई जा रही है। क्या है इससे बचाव के उपाय? स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित हैंड रब का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो उनसे दूरी बनाए रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें। जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। चीन में इस वायरस के चलते पर्यटकों की संख्या घट सकती है। इसका सीधा असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पहले ही चीन की अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। कई देशों ने अपने नागरिकों से चीन नहीं जाने के लिए कहा है। कई देशों में वुहान से आने वाले लोगों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। रूस ने चीन के साथ अपने पूरी बॉर्डर को भी बंद कर दिया गया है। इटली में कोरोना वायरस से 107 मरीजों की मौत से लोगों में और प्रशासन में दहशत है। इटली की सरकार ने अभी स्कूल और विश्वविद्यालय को 15 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर विषाणु का वर्गीकरण देखते हैं अपन। वायरस अधिकृत जगत राइजो भी दिया है। इसका गण निडोविरालिसा है। कुल कोरोना विरिडाई वंश। इसके चार वंश हैं, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस और डेल्टा कोरोना वायरस। नाम उत्पत्ति। लातिनी भाषा के कोरोना का अर्थ मुकुट होता है और इस वायरस के कणों के इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे ढांचे से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी
में मुकुट जैसा आकार दिखाई देता है जिस पर इसका नाम रखा गया है। यह एक नोवेल कोरोना वायरस है। इससे पहले इस वायरस फैमिली के सदस्य के से सामना नहीं हुआ था। दूसरे वायरस की तरह यह वायरस भी जानवरों से आया है। ज़्यादातर लोग जो चीन शहर के केंद्र में स्थित हुआन सी फूड होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए आते हैं, या फिर अक्सर काम करने वाले लोग जो जीवित या नववध किए गए जानवरों को बेचते हैं, इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। यह नोवेल कोरोना वायरस आमतौर से जानवरों से उत्पन्न हुआ है। इबोला और फ्लू इसके अन्य उदाहरण हैं। तो थैंक्स फ्रेंड, हमने कोरोना वायरस के बारे में आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी।